Hey, what is up you guys? Welcome back to my channel. So today's video is going to be a very different and very interesting video क्योंकि पहले मैंने ये कभी भी try नहीं किया है. ये video बहुत ही weird होने वाला है. I don't know कि क्या होगा इस video में. तो recently आप लोगों ने देखा होगा कि TikTok पे या Instagram पे कुछ makeup के challenges चल रहे हैं. तो उनमें से एक challenge है जो आज मैंने सोचा कि मैं try करती हूँ. तो उस चैलेंज में करना क्या है कि आई हैव टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई फेस लाइक फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं उसको ब्लेंड कैसे करूँगी. लाइक उसमें यू नो जो वीडियोस मैंने देखे हैं दोज पीपल पुट दैट फाउंडेशन ऑन देयर फेस इनसेनली. आई मीन इतना सारा प्रोडक्ट आई डू नॉट नो कि वो कैसा लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली आप इतना प्रोडक्ट लगाओगे तो वो बहुत ही केक ही लगने वाला है. आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो कैसे जाने वाला है बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है. ऑलराइट, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले लगाना है मुझे फेस ऑयल बिकॉज आई नो इसके बाद मुझे फाउंडेशन लगाना है. तो थोड़ा सा उसको यू नो बहुत ज़्यादा गंदा ना लगे और ईजिली थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए मेरे फेस पर. तो मैं पहले लगाऊंगी ऑयल एंड दिस इज़ द ऑयल दैट आई एम यूजिंग दिस रोल्ड गोल्ड एलिक्सर ऑयल फ्रॉम फरसाली. गॉड, आई एम वेरी मच यू नो कन्फ्यूज कि ये चैलेंज कैसा जाने वाला है. आई डोंट नो कि यार वो इतना प्रोडक्ट मतलब दे जस्ट रब इट ऑफ यू नो ऑन देयर फेसेस जो मैं खुद भी करने वाली हूँ. एक्चुअली अभी मैं भी खुद ऐसी दिखने वाली हूँ अभी भूत. मुझे पता नहीं कि ये ब्लेंड होगा या नहीं क्योंकि मतलब मैंने रिव्यूज़ में देखा है कि कई लोगों का ब्लेंड हो जाता है, कई लोगों का बहुत ही गंदा लगता है. तो आई एम श्योर आज मैं बहुत या तो मैं बहुत अच्छी दिखने वाली हूँ या मैं बहुत ही गंदी दिखने वाली हूँ. बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. ओके, तो मैंने फेस ऑयल लगा लिया है. अब बारी है फाउंडेशन की. आई डोंट नो यार ये क्या होने वाला है अभी. ओके, सो द फाउंडेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज इज फ्रॉम मेबेलिन फिट मी रेंज इन द शेड 115 आइवरी. ओह गॉड, ये बहुत ही आई हैव नेवर यूज दिस मच अमाउंट ऑफ फाउंडेशन इन माई लाइफ. ओ गॉड, इट्स ग्रोस लाइक सीरियसली. ये क्रीम हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने फेस पर पूरा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ. यार ये फाउंडेशन कम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई फेस मास्क है. यू मैं ये क्यों कर रही हूँ? ये कैसे ब्लेंड होगा? गॉड, आई नो बहुत लोग अभी हंस रहे होंगे मेरा चेहरा देख के. मैं इसको अपनी आईज पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वहां पे मुझे लगाना है कंसीलर और मुझे अभी से लगने लगा है कि मैंने बहुत ही बड़ा कचरा कर लिया है. मुझे ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल लॉट आई नो डिफिकल्ट क्योंकि इतना लिक्विड ही है. ओह गॉड, इसको ब्लेंड कैसे करूंगी? आई एम नॉट श्योर. ओके, तो मैं क्विकली अपना हैंड वॉश करके आती हूँ क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है मैं कोई भी चीज़ टच करूँगी ना मैं सब गंदा करूँगी. तो मैं फटाफट से अपने हाथ धो करके आती हूँ. इट्स टू स्टिकी और फिर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी. ओके, आई एम बैक. मैंने अपना फेस को बिल्कुल टच नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने हाथ साफ करे हैं और अब मैं ट्राई करती हूँ कि इसको मैं ब्लेंड कर सकूँ. आई थिंक इट्स गोना टेक फॉरएवर. इतना सारा प्रोडक्ट
थिंक ये बहुत ही गंदा लगने वाला है। यार आप लोग ना, मतलब एज अ चैलेंज अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट कभी भी लाइफ में ना इतना फाउंडेशन लगा के कहीं मत चले जाना। और मैं लिटरली बहुत लग रही हूँ, आई थिंक इसमें ब्लेंडिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने इतना प्रोडक्ट लिया ना, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन टोन के लिए भी, मेरे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट हो गया शायद। वाह, मेरा पूरा स्पॉन्ज फाउंडेशन से भर गया है, सारा प्रोडक्ट। अब मुझे लग रहा है मैंने ये चैलेंज क्यों किया है। आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ हियर। वेरी डिफिकल्ट। मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कितना गंदा, पता नहीं मतलब बहुत अजीब लग रहा है यार ये। पूरा मुंह मेरा वाइट हो चुका है। एंड आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्लेंड दिस होल थिंग यहाँ पे। ओ शिट, इसके बाद कंसीलर भी लगाना है। दिस सच अ वेस्ट, बट कोई नहीं, चैलेंज है तो एक्सेप्ट करेंगे और देखते हैं कि कैसा होता है। ऑलराइट, मैंने ब्लेंडिंग कर ली है इसकी प्रॉपरली, आई मीन जितनी हो सकती थी। तो अभी ऐसा बहुत ही ना, ऐसा नहीं लग रहा कि फेस पे कोई क्रीम है या कुछ है। तो अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ कंसीलर, और कंसीलर जो मैं अप्लाई करूँगी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेबलिन, फिट मी रेंज इन द शेड 10 लाइट। ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। तो मैं इसको सिर्फ अपनी अंडर आई पर लगा रही हूँ, थोड़ा सा नोज पे और फोरहेड पे। आई डोंट नो इसका कुछ फर्क भी पड़ने वाला है या नहीं। वाह, ये सब एक जैसा लग रहा है आई थिंक। अच्छा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट हो गया है अंडर आई में, बट अगेन इसको अच्छे से ब्लेंड करना इज अ टास्क। बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पे इस चैलेंज की, इधर बहुत ही अमेजिंग लुक्स क्रिएट किए हैं या फिर बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इट बाई माई सेल्फ कि मतलब जितना भी मैं देख रही हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छे लुक्स क्रिएट करे हैं या फिर दे आर सेइंग कि बहुत ही परफेक्ट बेस है, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट बाई माई सेल्फ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि भाई इज इट एक्चुअली हैपनिंग और ये सब फेक है ये क्या है। तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ इसका। ओके, कंसीलर इज डन। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, क्योंकि इतना फाउंडेशन लगा लिया और फेस से सारे शेडोज खत्म हो चुके हैं, तो आई विल बी कॉन्टोरिंग माई फेस नाउ। ओके, फॉर कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस नायका पैलेट, और इसमें से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। पूरा फेस मेरा ऐसा वाइट हो चुका है ना। क्यों पता नहीं, आई डोंट नो क्यों ऐसे चैलेंजेस आते हैं और क्यों मैं कर रही हूँ। मैं भी बेवकूफ हूँ क्या जो मैं कर रही हूँ। ओके, तो कॉन्टोरिंग इज
डन हेयर और मैं इसको भी एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अभी मैं फिलहाल क्रीम कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ और लास्ट में मैं थोड़ा पाउडर कॉन्ट्रोलिंग लाइक ब्रॉन्जर की हेल्प से करूँगी। बाकी लेट्स सी। एक चीज़ जो मैंने अभी तक नोटिस करी है इसमें कि लाइक फाउंडेशन मैंने इतना ज़्यादा अप्लाई किया था तो उस वजह से इसके ऊपर मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर अप्लाई करूँ लाइक एनी क्रीम प्रोडक्ट स्पेशली तो वो ईजीली मिक्स हो रहा है इसके अंदर। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा यू नो ब्लेंड करना नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहा है क्योंकि बहुत ही ना थिक लेयर अभी फेस पर बन चुकी है प्रोडक्ट की, तो इसीलिए आई थिंक ये हो रहा है। ओके नाउ यू कैन सी कॉन्टोरिंग से कितना डिफरेंस आता है। अभी मेरा फेस पे थोड़ी बहुत शेडोज हैं तो इतना वियर्ड नहीं लग रहा है, इससे पहले मेरा चेहरा ना फ्लैट लगने लगा था। स्पेशली यहाँ पे आप जब भी आप कॉन्टोरिंग करोगे तो अपना इस एरिया में कॉन्टोर ज़रूर करना क्योंकि दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आपका नेचुरली यू नो शैडोज रहती हैं आपके फेस पे। आप देख सकते हो नोज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। अभी इसमें एक पर्टिकुलर लाइक शेप है, बहुत ही फ्लैट या बहुत ही ना ऐसा वियर नहीं लग रहा, भूत जैसा नहीं लग रहा है अभी। और मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मुझे फोरहेड पर बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं थोड़े लाइट ही रखती हूँ। ओके सो कॉन्टोरिंग इज डन और अभी मैं अप्लाई करूँगी माई बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस टाइम पे सबसे बड़ा रोल है क्योंकि इतना प्रोडक्ट लगा है और सब कुछ इतना क्रीमी हो चुका है इस टाइम पे, तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा फिलहाल थोड़ा अंडर आइज पे ताकि ये और प्रॉपरली ब्राइटनेस आ सके। अभी लूज पाउडर मैंने इसको पे लगा दिया है तो यहाँ पे जितने भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है बेकिंग पाउडर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पूरा लाइक लाइन क्रिएट किया हुआ है बेकिंग पाउडर के थ्रू। इफ़ आई एम गोइंग टू यू नो लेट इट सेट फॉर लाइक गुड 15 मिनट्स तो ये प्रॉपर एकदम ऐसे चिजल्ड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट है मतलब वो रहेगा एज इट इज, आई कैन जस्ट शेड इट ऑफ और एक प्रॉपर लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ओके सो जब तक फेस का ये पूरा जो भी बेकिंग पाउडर है वो सेट होता है तब तक हम आईज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस किट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड और पहले मैं इसको इस स्पूली ब्रश के हेल्प से आई एम यूजिंग दिस वैक्स जो इसमें प्रोडक्ट में ऑलरेडी है इसको प्रॉपरली शेप दे देती हूँ एंड देन आई जस्ट मैं बहुत ज़्यादा शेप नहीं करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू फिल माई ब्रोज, नथिंग एल्स। ओके आईब्रोज आर डन तो मैं अभी आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सो आई एम यूजिंग माई पैलेट फ्रॉम मॉफी, मैं बहुत ही लाइट मेकअप करूँगी सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर एंड ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक का जो रिव्यू है वो ये है कि फेस पे लाइक इस एरिया में इधर सारी जितनी भी साइड है यहाँ पे इट इज़ लुकिंग नाइस आई वुड से, मैं कहूँगी बहुत यू नो एवरेज से ऊपर लग रहा है फॉर श्योर, बट यू नो दिस फोरहेड एरिया और या आई थिंक फोरहेड पे और थोड़ा सा नोज वाले एरिया पे केक ही लग रहा है, मैं थोड़े थोड़े क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। आई मीन लाइक वेन एवर आई फ्राउन और समथिंग लाइक यहाँ पे इतने रिंकल्स आते हैं तो उसके वजह से सेट अभी एक्चुअली करना बाकी है इसको, उसके बाद एक बार मैं और चेक करूँगी। अदरवाइज फेस पे इस वाले एरिया में तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है।
ओके तो आई एम डन विद आई शेडो. थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ एक मैं हल्का सा ग्लिटर ऐड कर रही हूँ, नथिंग मच. आई थिंक अभी तक द लुक इज ऑल पुट टुगेदर. कैमरा में बहुत अच्छा लग रहा है आई वुड से. मतलब मैंने अब तक जितने भी लुक्स क्रिएट करे हैं नॉर्मल अमाउंट का अगर मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है तो कैमरा में सब में सबसे बेटर ये लुक लग रहा है. लाइक ओवरऑल ना फेस एकदम क्लीन लग रहा है. बट अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो सिर्फ फोरहेड है जहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है अभी भी. अदरवाइज ईजिली ब्लेंड हो गया यार. मतलब जितना आई वॉज वर्ड ना जितना प्रोडक्ट था उस टाइम पे मेरे मतलब लाइक मेरे फेस पे टोटल ऐसा लग रहा था कि पूरा क्रीम या कोई मॉइस्चराइजर मैंने अपने फेस पे लगा लिया है. इट वॉज सच यू नो सच अ थिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट वॉज ऑन माई फेस. बट एवरी थिंग इज नाउ लाइक पुट टुगेदर तो इट्स लुकिंग क्वाइट ओके. ओके तो मैं अब सबसे पहले क्या करूँगी, अपना लाइनर लगा लेती हूँ, मस्कारा लगा लेती हूँ. वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि कैमरे के सामने करूँगी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. तो मैं फटाफट से अपना आई लाइनर और ये सब करके वापस आती हूँ. ओके सो आई एम बैक नाउ और मैंने आई लाइनर लगा लिया है, मस्कारा लगा लिया. एंड आई थिंक यूजुअली जब मैं मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट इस बार ये आईज का लुक बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, यू कैन सी. ऑल राइट अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है. जस्ट अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन क्रिएट हो चुकी है. सो दिस इज द मैजिक ऑफ बेकिंग पाउडर. और हम लोग इसको यूज़ इसलिए भी करते हैं ताकि जितना भी हम लोगों ने प्रोडक्ट अप्लाई किया, जितना भी यू नो क्रीमी प्रोडक्ट हम लोगों ने अप्लाई किया वो सब सेटल हो जाए, फिक्स हो जाए अपनी जगह पर एंड मूव ना हो. स्पेशली अंडर आई पे तो जब भी हम यू नो कंसीलर अप्लाई करते हैं उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए भी अप्लाई है दिस लूज पाउडर, ताकि वो उसमें क्रीज क्रिएट ना हो, वो फिक्स हो जाए अपनी जगह पे. ऑलराइट दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय ब्लश. लैशेस की आई थिंक जरूरत पता नहीं है या नहीं, मतलब है तो बट मेरा मन नहीं है लैशेस लगाने का, क्योंकि ये कोई प्रॉपर लाइक मेकअप वीडियो नहीं था. फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड स्किप अप्लाइंग लैशेस. ऑलराइट अभी थिंग्स आर लुकिंग ओके. थोड़ा सा नोज पे so this is it guys. I hope you all like this video, like this challenge. Let me know in the comment section आपको कैसा लगा जब मैंने वो foundation इतना लगाया. I mean आप लोगों को उम्मीद थी कि ये इतना तक भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी expectation नहीं था कि mirror में तो छोड़ो लाइक camera में भी कुछ ठीक से दिखेगा या नहीं. इतना मुझे तो ये भी नहीं sure था कि ये blend कैसे होगा, but somehow blend हो गया easily. लाइक इतना difficult नहीं हुआ, बट हाँ प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, वो साफ दिखाई दे रहा है. एनी वेज आई विल ट्राई कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये सारी पिक्चर्स अपलोड करूँ. इफ एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. प्लीज़ गो देयर एंड चेक आउट द पिक्चर्स ऑफ दिस लुक. मैं अभी इसको वॉच करने से पहले कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लूँगी एंड देन आई पुट इट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. सो या दिस इज इट गाइज. प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट. एंड आई एम गोइंग टू सी यू सो पर्सन. बाय.